सारे भाइयों राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू और बदेसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे गुट्ठा टेक ही सार तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। तो भाई आप एक बार इस टाइम मेरे के लिए जुड़े भाई। ओ भाई नुकर तू तू बोल ले पहले से क्या के ले बोलिए क्या नाम है। आलू ले, प्याज ले, टमाटर ले, मटर ले, पेठा ले, खीरा ले, गाजर ले, गोभी ले, भिंडी ले, मटर ले, कटहल ले, शिमला ले, अरबी ले, नींबू ले, अदरक ले, ओ कौन यार, पुदीना 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 धनिया मटर वीडियो वायरल रहते। चलो चलो एक मिनट, चल मन जाना पड़ेगा भाई। एक अकेडमी हड़ है और उसमें रात ना 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हुआ है उसके आप पड़ताल करेंगे। आवाज चेक कर ले रही, आवाज चेक कर ले, तू थोड़ा उतर ले भाई, आवाज चेक कर ले एक बार। गुप्त सूत्र काल ने मरते बताया यह एक अकेडमी है शहर में, इस अकेडमी में रात न 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हो भाई उसके मैं पड़ताल करेंगे। नूर कुमार भाई साहब आप नजरें उठाइए सामने देखिए, आपके यहाँ कर्म आया हुआ है। नमस्कार जी, राम राम करते हैं। संसार क्रांति के सभी दर्शकों का स्वागत है, नमस्कार जी आया हूँ। आपके यहाँ पर 18 लाख लोग घुस चुके हैं। बिल्कुल सर, 18 लाख फॉलोवर हैं आपके, मतलब आपके हमारे तो क्या आपका ही है, संसार क्रांति आपका अपना ही है। तो क्या रणनीति बना रहे थे हमारा गुप्त सूत्र काल ने बताई भी रात न 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हो इस अकेडमी में, उसका हमने खुलासा करना, बताओ क्या मामला। जी सर, ये तो हम जो है एक बार कुर्सी खींच ले भाई, एक मिनट। हाँ जी, हम जो है सबसे पहले तो करमू भाई सभी दर्शकों को नमस्कार। जी जी, एग्री अकेडमी प्रस्थान के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है करमू भाई आपका। मेरी जानकारी से गलत ना हो, हमारा गुप्त सूत्र काल ने बताई भी आपकी जो मेरा सकल फीड करवा रखी थी अनिल, सही है मेरी जानकारी, उरान प्रवेश यो खेत माल चलानी मानस ये हल चला चला गए। अच्छा, रात के 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हो बताओ जी। करमू भाई हम अभी जो है प्लानिंग कर रहे थे कि हमने रैंक तो दिया ही दिया है बीएससी एग्रीकल्चर 10th में भी, आगे के लिए हम ऐसी कौन सी चीज डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर जो बच्चा जो है बिल्कुल कामयाब होके जाए, यानी कि सभी बच्चे जो हैं किसी न किसी फील्ड में यहाँ से कामयाब होके जाएं। हम उस चीज के ऊपर अभी एक एक चीज बना रहे थे यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चों के अंदर नई डेवलप कर सकते हैं, ओवरऑल ऑलराउंडर बनाना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा नहीं, मैं सवाल तो मैंने कुछ और पूछा, मैं तो दिवाली गह रहे हूँ, आप होली गह रहे हो, मैंने कहा रात ना 12 बजे तक कौन सी पढ़ाई हो उसका जवाब क्यों दे रहे, आप नजरे क्यों छुपा रहे हो। हाँ प्रवेश भाई, हम अपनी एकेडमी जो एग्री एकेडमी सार सुबह 8 बजे एकेडमी में बच्चे आ जाते हैं और रात के 12 बजे तक पढ़ाई चलती है। कौन सी पढ़ाई चलेगी? 10th बीएससी एग्रीकल्चर, संस्कारों की, उनकी सफलता की, उनकी सक्सेस की, उनके पेरेंट्स की ड्रीम की। कौन सी सफलता, कौन सी सक्सेस कोई मिली? बिल्कुल बिल्कुल करमू भाई, हमने 10th बीएससी एग्रीकल्चर में पूरे हरियाणा में जो है एक चमकता सितारा दिया जतिन बिस्ला, 97 मार्क्स गोट किए आउट ऑफ 100, रैंक हरियाणा में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। या बात जचगीर है, एक बार तसल्ली कराओ जी, तसल्ली कराओ करमू भाई, आज भाई ना उन्होंने कहा पेटा भरेंगे। तो 10वीं के बाद जब आपने नौकरी खातर ट्राई करनी हो तो एंट्रेंस टेस्ट हुआ एक बीएससी एग्रीकल्चर का, और ये जो चीज है ये नुकार नहीं करे बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्या जोर हमारा गुप्त सूत्र काला का होता भाई, रात ना 12 बजे तक ये हुआ तो ये बेरा बट गया बोले के रोला, बोले यू रोला है, ये टॉपर काटे हैं, ये का डैन उन्हें किसको, जतिन बिस्ला को, नंबर यू दिखा दे भाई, फोन करके को तसल्ली भी कर लेगा, कहते काम करने का कर्मू कह रहे हैं, ये देखो रैंक आई है छोरा की नंबर 1 जनरल कैटेगरी है, यह भी बड़ी बात है जी। अच्छा रात में 12 बजे लोग जीप जाएगा, यह बात बिल्कुल। अच्छा बैच कितने निकल लिया आप लोगों ने? बैच करमू भाई हमने पिछली बार सिर्फ एक सिंगल ही बैच निकाला है। अच्छा उस पहले में, पहले बैच में, पहले में ही धमाका, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये धमाका की सेटलमेंट थी कुछ? बिल्कुल करमू भाई, ये मेहनत की सेटलमेंट थी। अच्छा बिल्कुल करमू भाई, हमारे रैंक की सेटलमेंट थी, मेहनत की सेटलमेंट थी। तो किस तरह, मतलब करमू भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इस बात से है ना मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि मतलब ये बातें होती है तो लोगों को एक ही दिमाग में चीज आती है, जरूर सेटिंग होगी, जरूर पता नहीं क्या होगा, हो ही नहीं सकता, जो ये सारा जो खेल है ये मेहनत का है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वो श्रीढ़ी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह निवास करेगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फिर चला जाता है। बिल्कुल। चलो मैं एक चीज, एक देखो एक फोटो यहाँ देखी, मेरे ध्यान पड़ा, ये जो देखो, ये जो देखो, ये महान अपने महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप तभी पर्सनली भी है ना, एक थोड़ा हाँ पर्सनली भी इनको बहुत अच्छा मानू, क्योंकि आज जो समस्या है ना अपने उसमें देश में, जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, पूर्णत्या, दहेज प्रथा, इनको पढ़ लो तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मन लगा है यदि इनको पढ़ लिया तो, क्योंकि अपने जितने क्रांतिकारी थे ना तो वो भी इनको अपना आइडियल मान रहे महर्षि दयानंद सरस्वती को। एजुकेशन आल्सो। जी जी जी। अच्छा यू एग्री, तो एक बात है एग्रीकल्चर का, एग्री एग्री का मतलब वो भी सहमत। बिल्कुल सहमत। तो ये भी सुनो, आपने लासी ने कौन घाटी बता रहा है, इनने पूछा जो दर्शक जुड़ रहे नहीं, इनने पूछा भाई पहला बैच था एग्री अकेडमी वाला का, पहला बैच में दे दिया इनने हरियाणा का जनरल कैटेगरी का टॉपर। हाँ जी करके दिखाया है। एक बार इनकी सुना भाई, क्या नाम है आपका मैडम? हाँ जी मीनाक्षी जी। साबित करके दिखा दिया। क्या साबित किया? साबित करके दिखाया है, पूरे हरियाणा को टॉप रैंक दिया है। जतीन बिस्ला एक बहुत ही नॉर्मल घर से, बहुत ही मतलब एक सिंपल परिवार से जो बच्चा, हमने एक ऐसा मतलब फल पौधा तैयार किया है जो पूरे हरियाणा में मिसाल बन चुका है। चलो चलो मैं बताऊं, और मिसाल गई तो विशाल हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया ना, विशाल काम कर दिया। और आज भी सोफे में बैठ कर बात करेंगे, वो तो सारा रोड़ा कुर्सी का है, लेकिन चलो सोफे के कहते हैं। बैठो जी बैठो, आ जाओ आ जाओ मैडम, इधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ। वाह जी वाह, सुना जाओ भाई। अच्छा जी अनिल जी, प्रवेश जी, आपके टीच करो हो, और आपके टीच करो हो, या फिर आप सिर्फ उनका मतलब अलाइनमेंट नहीं ठीक करा रहे, जोकर बालक थोड़ा बहुत दाएं बाएं चलता हो तो उन्हें कह देना है सर ठीक रहो, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान रख, टॉपर आना तना जतन पिछला पढ़ना। तो एक बात हूँ, बार बार फोटो का मेरा ध्यान भी जावा, और जज मैंने पहले बैच में टॉपर कह दिया आप लोग। करमू भाई क्या है कि मैं दोनों काम करता हूँ, करमू भाई जी जी, मैं जो है गाड़ी को मॉडिफाई भी करता हूँ, और जो जिस गाड़ी में कमी है उस गाड़ी को ठीक भी करता हूँ। यानी कि मैं टीचिंग भी करता हूँ, और साथ के साथ बच्चों को मोटिवेट रखना, उनका टारगेट रियलाइज करवाना, उनमें संस्कारों का डेवलप करना, क्योंकि आज के टाइम में हमने ये देखा करमू भाई, बहुत अच्छे घर से बच्चे आते हैं, अन्य शिक्षण संस्थान में बच्चे जाते हैं, लेकिन जो संस्कार नाम की जो चीज है वो बहुत कम लोग उनको दे पाते हैं। एक चीज है प्रवेश भाई, हर माँ बाप का एक सपना है, देखो एक टाइम पे नुकार थे भाई अपना व्यापार बिजनेस उस बढ़िया कुछ नहीं, बिल्कुल, लेकिन आज जो 21वीं सदी में आप तो घर में कोई नौकरी लाग देनी, नो सोचा भाई जो बस न्याल होगी। बिल्कुल। तो नौकरी की जब कैटेगरिया की बात करा तो यह जो एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर है, इसमें आप एक बार बताओ प्लेसमेंट खड़खड़ा हुआ है, ठीक है, और बच्चा ने दसवीं कर दे जो ये अपॉर्चुनिटी मिला, जो एचएयू की हम बात करें तो उसमें जान का जो मौका मिला है उसको, अपना कोर्स को पूरा करने का, तो फिर तो मेरे ख्याल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चौन नहीं लगती उसकी, फिर तो एक किस्म से सरकार ने गोद ले लिया उस बच्चे को, उसकी प्लस वन प्लस टू में, उसकी एजुकेशन के बाद उसकी जॉब की भी बिल्कुल लगभग है, जो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर 10th बेस के बाद बच्चा एचयू में एडमिशन लेगा, 6 साल की डिग्री कंप्लीट करेगा, उसके बाद जो जहां जहां उसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, रेगुलरली हर साल पोस्ट निकलती है, एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एचडीओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नबार्ड जो कि किसानों का सबसे बड़ा बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड में भी नौकरी लग सकती है, इफको जो खाद बीज की कंपनी है, क्रिबको, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एंड मैनी मोर, बहुत सारे ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर में भी। इसकी कोई फोटो भी है तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ये दिखाओ भाई, इन्होंने एक पूरा सिलेबस तैयार कराया है और ये बता रहे हैं कि भाई एक चीज और, जो 10th के बाद जो लड़कियां हैं, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी बेटी बैंक में ही नौकरी करे, तो बैंक का ऑप्शन उनके 10th के पास होने के बाद है, एक ऐसी डिग्री जो 10th के बाद या तो अपनी बेटी डॉक्टर बने या अपनी बेटी बैंक में जाए, तो एक ऐसा ऑप्शन 10th बीएससी एग्रीकल्चर जो है उन पेरेंट्स के लिए रामबाण। वो कितने साल की होती है फिर बीएससी एग्रीकल्चर? वो 4 ईयर की डिग्री होती है और 1-2 साल लगते हैं उसमें, टोटल 6 ईयर का प्रोग्राम है 10th के बाद। एक किस्म तो नो समझ लो, जो तो हमने जवान सा छोरा लगे पैसे नहीं कॉलेज की उम्र का बालक का, तो एग्रीकल्चर वाला पाओ
जो दसवीं करते हैं यूनिवर्सिटी में गया, फिर उन्हें पेपर पैड गया, अपना नौकरी लग गया। और फिर नौजवान उम्र का तो हमने नौकरी लग गया दिखेगा, तो हमने सोचे कॉलेज का छोरा ही तो, लेकिन उसकी राय गल है आड़त है, ये गल है राय। तो ये आप देख रहे हो फिलहाल एग्री अकेडमी हिसार में है, ये राय गालन का तरीका है। आपका बालक जब दसवीं कर ले, और एक और बात है इस कोर्स में तो जी मैंने खूब भी लगी, मतलब जमीन तो भी जुड़े रहोगे और जमीर तो भी जुड़े रहोगे। भाई एक बात कहूंगा, बाज है ना बाज, बादलों से भी ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन उसकी नजर जमीन पे होती है। एक चीज देखो ना, अपना किसानी तभी तो जुड़े रहे कम तो नौकरी है जिस तक किसान ना दूनी खेती के बारे में। एक बात और बताना चाहूंगा, मैं एग्रीकल्चर टीच करवाता हूँ लगातार 6 साल से, तो जो भी एग्रीकल्चर में 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है एंट्रेंस टेस्ट में, उसमें पढ़ाऊंगा क्या एनिमल्स, भेड़ बकरी गेहूं बाजरा मक्का सोरगम जैसे दालें, जितनी भी दाल हम खाते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, रेड ग्राम ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम पी चिक पी काउ पी हिंदी में भी आते हैं दाल का नाम, मटर और चना चना मसूर दाल, मसूर जितनी भी दाल हमने खाई है। करूं भाई लगता है मेरे को आपको ने भी एग्रीकल्चर की डिग्री मान देसी एग्रीकल्चर। और एक खास बात और, जतिन बिस्ला ने एग्रीकल्चर में 60 by 60 मार्क्स गोट किए करमू भाई, अच्छा 60 में से 60 नंबर एग्रीकल्चर में। जतिन बिस्ला जरा भी इस वीडियो में देख लग रहा मेरे भाई, तन्ना ढेर सारी शुभकामना भाई, गठड़ी बरक है किसानी में बतावा ना, बताओ किसानी वाला धन्यवाद देवा, गठड़ी बरक है बरोटा बरक है दिल कच्चो मत है और देखी गहराइया में ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल एक बात पकड़ी मैंने आपकी, वनो पकड़ी प्रवेश भाया, बोले मैं 6 साल से पहला बैच धमको क्या, ये 6 साल कौन सी होगी फिर? जो लगातार 6 सालों से मैं ये एग्रीकल्चर टीच करवा रहा हूँ, लेकिन जो अपनी एकेडमी है अच्छा। वो लास्ट ईयर ओपन की, अपनी बनाई अच्छा चो, 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 हाँ। ठीक। इसमें एक विशाल अनाउंसमेंट और करमू भाई बताओ, मतलब हम भी बिल्कुल किसान पुत्र हैं, जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए, सोचते भी हैं कुछ अच्छा कर जाएं और शायद कुछ अच्छा किया भी है। एक आधी बार कुर्ते पजामे पहरे करो भाई देख हर मैं तुम्हें तो एक आधी इसी देखो जब आखिरी दिन होने एंट्रेंस टेस्ट होने तब पहले आखिरी कोचिंग का दिन हो उस दिन तुम धोती कुर्ता पहर गए और बड़का भी दिमाग रहा। भाई साहब एक चीज और करमू भाई, माँ को चुंदड़ और पिता को खंडुआ, ये बिल्कुल हम देसी पोशाक में बनाएंगे उनको। क्या बात है, जो भी बच्चा एडमिशन लेगा चाहे वो टॉप रैंक 1 आए रैंक 2 आए, जितने भी बच्चों का अचीवमेंट एडमिशन होएगा, पापा को खंडुआ और माँ को चुंदड़ और पूरा सम्मानित किया जाएगा। दो तरीका खाना है मेरा हरियाणा। अच्छा यू तो लड़का, चलो जतिन भाई तो आ गया फर्स्ट, अचीव गया अब ये चल रही है इसकी, अच्छा लग रहा है जी इसका बढ़िया, खुश हो गया। चलो आप लोगों ने इसको बढ़िया पढ़ा भी दिया और इसका रैंक भी आ गया, फिर यू एक ही आधार पे नहीं, नहीं, ये करमू भाई ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके, ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ, ऐसा आपने आज ऐसा टेस्ट लिया है कि ऑन रिकॉर्ड आप दिखा रहे हो, 10th बीएससी एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड जो है ऑन रिकॉर्ड स्क्रीन नहीं दिखाया गया करमू भाई। टोटल कितने आए फिर उसमें? टोटल जो है हमारे 25 बच्चे काउंसलिंग में थे, 25 काउंसलिंग में थे और 20 का सिलेक्शन हुआ है, 20 यानी कि यूनिवर्सिटी में है, एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है। फर्स्ट रैंक इन जनरल कैटेगरी, फर्स्ट रैंक सिंगल गर्ल चाइल्ड, एक रिया गुड़िया है ये, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। गर्ल्स यू बढ़िया काम, फिर लड़के भी लड़की भी हैं, अच्छा उनको भी फिर इसी उसमें। संदेश सागवाल LDV फर्स्ट रैंक, कविता SC डिप्राइव्ड SC कैटेगरी की फर्स्ट रैंक, नेहा फिफ्थ रैंक, जनरल फिफ्थ रैंक है और रमन फिफ्थ रैंक इन SC कैटेगरी, मयंक 13th रैंक इन जनरल कैटेगरी, वासु कंबोज फर्स्ट रैंक इन जनरल BCA कैटेगरी, जस्सी गुजर 8th रैंक इन BCB, नीतिका EWS 4th रैंक। और तो मैंने भेरन जी अनिल भाई प्रवेश भाई, मैडम क्या नाम आपका? मीनाक्षी जी, मारा एक बात जचगी तारी सेटलमेंट वाली बात सुन भाई मेरे, भाई सेटलमेंट है इनकी रात में 12 बजे तक की, कौन सी सेटलमेंट है भाई? टॉपर लेने रैंक लेनी और भाई पहला बैच में धमाल मचा दिया और घनी दूर जाओगे। थर बार में एक बात कहूँ, बोला एक दिन तुम बहुत दूर जाओ। हाँ जी, अभिभावकों को हम तय दिल से विश्वास दिलाते हैं, हम अपने बच्चों को इतना ऊपर तक मतलब वो बुलंदियों को छू जाए। करमू भाई एक बात कहूंगा, एग्री एकेडमी जो है गार्जियन का विश्वास नहीं तोड़ेगी,
हम उनके जो पेरेंट्स के जो उनके जो सपने हैं हाँ। या किसी भी बच्चे की जो काउंसलिंग जो हम करते हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा करवाते हैं हाँ। समय समय पे पेरेंट्स को रिपोर्ट देना हाँ। कि आपका बच्चा कैसे चल रहा है मैडम जी जी। और हमें यानी कि हम अकेले मेहनत नहीं करते कर्मो भाई, पेरेंट्स को भी ड्यूटी देते हैं। ये नहीं कि संस्थान में पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन जी। जो ये बीएससी एग्री 6 ईयर कोर्स है हमारा, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है बोथ, क्योंकि कोरोना में हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था और बोथ है। पिछली बार भी हमने 3 बच्चों से स्टार्ट किया था और लास्ट में 3 से 30 हुए, 30 से 50 हुए, 50 से 85 85 हो गए थे। 85 में से हमने 35 बच्चे हमारे जो टॉप रैंकर आए थे उनमें से 20 बच्चों का एडमिशन हो गया, 12 बच्चे जो ऑफलाइन थे, 8 बच्चे जो ऑनलाइन थे, टोटल 20 एडमिशन हो। ऐप वगैरह है क्या आपकी कोई? हाँ जी, ऐप बताओ फिर इसके बारे में बताओ। एग्री हिसार के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हैं। चलो यूं तो एक चीज तो मेरा सही समझ में आई आप लोगों की, जो गुप्त सूत्र काला ने मेरे तो बताई थी नी, अभी नूर नू रात के 12 बजे तक पढ़ा है। अच्छा एक और बताई गुप्त सूत्र काला ने मेरे तो बात तो जी तारा रैंक तो तारा आया, मतलब पहला बैच में फर्स्ट दे दिया था हमने जतिन बिस्ला, पसीने कई गए बिल्कुल इस पे तो इस पे तो मैं ये कहूंगा कर्मु भाई, सब मेहनत का खेल है। भगवान जो उसको उठाना चाहता है ना, जिसपे वो हाथ रखता है, जिसपे दया करता है, जो सच्चे दिल से जो उसका नेक बंदा होता है, और आज के टाइम में मैं कहूँ कि नेक बंदा ही सबसे बड़ी बात है। वो बात होगी जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या। अच्छा कोई आगामी कोई कार्यक्रम भी आपका? 6 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है, पूरे हरियाणा इनवाइटेड है। हरियाणा के जितने भी बच्चे 10th पास करेंगे अब अप्रैल में, वो सारे बच्चे 6 मार्च को एग्री अकेडमी हिसार के प्रांगण में पहुंचे विदाउट एनी फी, बिना किसी फीस के आप यहां पर एग्जाम दे। यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हो स्कॉलरशिप टेस्ट में तो बिना ही फीस के विदाउट एनी फी 0 फीस में हम पढ़ाएंगे। यदि कोई बच्चा टॉप करेगा तो जिस डिस्ट्रिक्ट से, जैसे हिसार से जिस बच्चे ने टॉप किया बिना फीस के पढ़ाया जाएगा। और जैसे ही बच्चा यदि 80 मार्क्स लाता है तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, 70 मार्क्स लाता है उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। कर्मु भाई यानी कि सीधा सीधा मैं एक बात कहूं, जिस बच्चे में हुनर है, प्रतिभा है और जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, अपने पैरेंट्स के कई बच्चे ऐसे होते हैं जो निचले मतलब दब जाते हैं, उनको उठने का सबसे सुनहरा मौका फैकल्टी आप पे जी, फैकल्टी साक्षात आपके साथ बैठी है। चलो ये साक्षात बैठे। एक चीज और है जो मैंने पर्सनली नोट करी, जो तो हमने लोग फीचर तरह दिमाग में चढ़िया भाई आड़ा है नी, टें टें पैं पैं पी पी पोंपो, ओ को नहीं जमा एकांत सिम है, शांत सतल है, शांत है एकाग्रता, क्योंकि कोई भी आपने पेपर पढ़ना हो नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत हो एकाग्रता की। तो आप एक बार यू ठिकाना बता दो अपना। ये है जी विश्वकर्मा मंदिर नियर बस स्टैंड, ये 2 नंबर गली है। अच्छा जी। यहाँ पे बिल्कुल हमारे तीर के निशान लगे हुए हैं यहाँ पे, तो नारो नहर बारो बहर सुटम सुटा पुटा। यस बिल्कुल। और कर्मु भाई जो 6 मार्च को जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, स्पेशली मैं आपके जो दर्शक हैं जो गार्जियन हमें सुन रहे हैं उनको स्पेशल एक मैसेज दूंगा कि जो पेरेंट्स जिन बच्चे जो अभी आपके बच्चे 10th में हैं, 6 मार्च को बिल्कुल संडे यानी कि आप मेंटली बिल्कुल फ्री हैं, अपने बच्चे का टेस्ट करवाएं कि आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है, उसके बाद उसकी मेडिकल स्ट्रीम अच्छी रहेगी नॉन मेडिकल स्ट्रीम रहेगी, आप उस बच्चे को यहाँ लेके आओ, उसका चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है कर्मु भाई, जीरो रजिस्ट्रेशन फीस, स्कॉलरशिप में 80% आएगा उसको, 80% आएगा उसको भी स्कॉलरशिप, और जो 95 की कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे 100 में से 95 96 98 99 जितने भी बच्चे आएंगे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, एक सिंगल पैसा नहीं लेंगे, बैग बुक्स भी हम देंगे कर्मु भाई। वो उनका लोग बात हो जी, भला खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे और बताते रहे राजा क्या कर्मु भाई, कुछ तो मतलब कहते हैं कि हम देंगे वो चीज, हम वो बिल्कुल 101% देंगे कर्मु भाई। जो भी बच्चा जैसे एचयू में ये सोचता कि 6000 बच्चे पेपर देंगे लेकिन 55 सीट है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। एक मैं और बोल देता हूँ कर्मु भाई, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अब बाज यानी कि बादलों से भी ऊपर उड़ता है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इब्रीस मन भी आएगा कि मैं भी कहूंगा, जिसने खोजा उसने पाया गहरे पानी पैट, वजन भी क्या पाएंगे जो रहे किनारे बैठ, किनारा ना बैठे रही हो भाई, गोता मारना पड़ेगा, गोता मारोगे तो मन कर गया। अच्छा जी, 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 जी,
लो मम्मा एक आप पस... पसीने की स्याही से लिखे कभी कागज कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से कागज लिखे कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत पे मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। और ये बात भाई ये बात इम्प्लीमेंट करने खतर है, ये लागू करने खतर है, कोई भी बात कहावत बनाए नहीं तो वह उन चीजों में कुछ लोगों ने सक्सेस मिली हो है जी भी कहावत बनाए है जिबे बनाए हूँ कौन बन दी। तो आप भी अपना बालक ने तोड़ा तो तोड़ा जेनू सोचते हो नहीं भाई दसवीं कर दें उसकी राय गलत नौकरी प्राप्त मतलब नौकरी पर जाएगी तो एक बढ़िया तरीका है यू। और ये नुकान लग रहे हैं हम तो ऊपर देने लग रहे हैं तो हम आओ एक मोबाइल नंबर तो दे दो आप लोगों का कोई गर्मो भाई इस पे दोनों मोबाइल नंबर है ले भाई इसका स्क्रीन शॉट मार लियो भाई दर्शकों स्क्रीन शॉट मार ले देगा भाई हाँ बोल भी दो साथ साथ 98-966-61-862 95-88-17-36-21 9588-17-36-21 इन दोनों नंबर हमारे 24 आवर चलते हैं। कर्मू भाई अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पेरेंट्स इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। और पूरा ब्रह्मांड में यू जो नंबर है नहीं दूसरे नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें ये यही है बिल्कुल। चलो करते सर भाई मजा आ गया जी मैंने बाकी मेरा तो नू धामा पापड़ पाड़ांगे मरा जाएगा उछाड़ सा तारांगे मेरा पटाखा लोग कड़कड़ करते बैठ रहे हैं लेकिन मैंने यू जो धारा रात की 12 बजे तक की पढ़ाई नहीं या सेहत खातर बड़का का भविष्य खातर ठीक लगी 6 मार्च जी जी सभी पेरेंट्स को कहूंगा कि 6 मार्च को आप ऐसे ही न बैठे इस अनाउंसमेंट को बिल्कुल अपने दिमाग में रखें नोटिस रखें इस बात को कि आपको 6 मार्च को अपने बेची अपने बेटे या अपनी बेटी की काउंसलिंग करानी ही करानी है। सही आप मैं ये नहीं कहता इसी संस्थान में बट आज का जो टाइम है वो शिक्षा जगत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो सिरडी का दूध जो पिए वो धारे जो ना पिए वो जानूरी तरह निवास करे यानी कि बहुत ही जरूरी है। जो शेयर की बात है कि नहीं शेयर करो सवा शेयर करो और बब्बर शेयर करो भाई बिल्कुल शेयर शेयरिंग का तो मठा दो बब्बर का दो शेयरिंग का पत्र दो भाई बोल भी दो मुमकिन है एग्री एकेडमी है तो अब तो आपको लगा होगा ये हाँ जी बोलिए बोलिए एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है कर्मू भाई को बोल रहे मैं बता दूं एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है ये मुमकिन है तो युद्ध है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो चीज ने उनका आरबला जी ने पढ़े दिखे उन्हें खड़े के दिखेगा तो भाई प्रत्यक्ष है छोरा ना कटाके ढह दिए छोरा ना और ये भाई इसकी नौकरी की भी गारंटी पक्की है नौकरी लाकर जिस भी बच्चे का एचयू में एडमिशन हो गया तो हम उसके साथ जब तक जुड़े रहते हैं जब तक वो कामयाब ना हो जाए जिस दिन उसकी नौकरी लग जाएगी उस नौकरी के बाद भी हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। चलो इन नंबर में फोन करके भाई 6 मार्च की जो स्कॉलरशिप का एग्जाम है टेस्ट है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम होगा 6 मार्च 6 मार्च 2022 भाई रे कद 23 माह हो एक आधा 23 माह यार लेट चले चलो भाई करते सर चलो भाई नमस्कार जय सो मच ओके जी जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान करो भाई शेयर।